हेलो एवरीबडी गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम वंस अगेन। यू गाइस आर वाचिंग योर यूट्यूब चैनल बीनेट फैंटेसी क्रिकेट। इस वीडियो में बात कर रहे हैं श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में फर्स्ट ओडीआई मैच खेला जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे हम दोनों टीम की पॉसिबल 11 क्या हो सकती है और दोनों टीम की यहाँ पे प्लेइंग 11 के साथ साथ पिच रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइज बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो गाइज पिच के बारे में देखिए, थोड़ी न्यूट्रल से आपको पिच देखने की मिलेगी। हालांकि न्यूजीलैंड में ज़्यादा बाउंस होता नहीं है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की तरह, वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत स्विंग देखने के लिए मिलती है और बॉल थोड़ा धीरा आता है। स्पिनर्स के लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगी और जो बॉलर स्विंग करते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 पहले शुरुआत करते हैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड के लिए मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो ओपनिंग करेंगे। तीन पे आएंगे कप्तान विलियमसन, चार पे रॉस टेलर, उसके बाद हेनरी निकोलस, पांच पे टिम सिफर्ट। टिम सिफर्ट का पहला ओडीआई मैच होगा ये। टॉम लेथम इनके जो परमानेंट विकेटकीपर थे वो नहीं खेलेंगे इस मैच में, रेस्ट दिया गया है। और जो न्यूजीलैंड की टीम है उन्होंने कोशिश किया कि वर्ल्ड कप को देखते हुए अपने जो बेंच है उनमें से दो तीन अच्छे प्लेयर निकालें, उसको तौर पे इस सीरीज़ को न्यूजीलैंड की टीम देख रही है। इनके कोच ने क्लियरली क्या है कि हमें जो वर्ल्ड कप हमारी टीम होगी उसमें हमारे 11 के बाद जो 12, 13, 14 होंगे उसको हम ढूंढ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर नए खिलाड़ी टिम सिफर्ट, जिमी नेशिम, लॉकी फर्ग्यूसन, मार्क हेनरी, इनको भी चांस दिया जाने वाला है इस सीरीज़ में। अब इस स्टोरी तो हो गई, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन। अब गाइस यहाँ पे मार्क हेनरी, टिम साउदी, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, इनमें से कोई एक खेलेगा और क्यों खेलेगा उसका रीज़न भी बता दूँ। टिम साउदी और यहाँ पे मार्क हेनरी को टेस्ट सीरीज़ में भी खिलाए जाने के ऊपर बात चल रही थी कि चांस देना, लेकिन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट दो अच्छे पेसर थे, उसके बाद तीसरे मिचेल नीजनर भी थे, तो यहाँ पे एक इनके पास ऑप्शन आता है कि साउदी को ना खिला करके मार्क हेनरी को इस मैच में खिला दिया जाए और अपनी बेंच को भी इस मैच में टेस्ट किया जाए। हालांकि अच्छे गेंदबाज साउदी है लेकिन बेंच को चांस देना है, इसलिए मार्क हेनरी के इस मैच में खेलने के चांसेस ज़्यादा हैं। पर खैर मेरे हिसाब से मार्क हेनरी से ज़्यादा अच्छा ऑप्शन अगर आप लॉकी फर्ग्यूसन और ट्रेंट बोल्ट को ट्राई करें तो वो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन रहेंगे। श्रीलंका से सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे दूँ कि एंजेलो मैथ्यूज़ इस मैच में नहीं खेलेंगे। तकरीबन 45% पब्लिक ने इनको ड्रीम इलेवन में अपनी टीम में रखा हुआ है। रीज़न है जो लास्ट इनका टेस्ट मैच गया था उसमें सेकंड इनिंग में ये इंजर्ड हो गए थे और दोबारा बैटिंग करने भी नहीं आए थे। तकरीबन 25 के आसपास इन्होंने रन बनाए थे और रिटायर्ड आउट हो गए थे। तो गाइज ये इस मैच में नहीं खेलेंगे। इनकी जगह श्रीलंका ने सदीरा समर विक्रमा को अपनी टीम में ऐड किया लेकिन उनके भी खेलने के चांसेस नहीं है। अब प्लेइंग 11 क्या होगी, कुशल परेरा डिकवेला ओपनिंग करेंगे ये तो कंफर्म है। उसके बाद चांडीमल थोड़ा नीचे बैटिंग करेंगे। हालांकि कुशल मेंडिस, धनंजय डिसिल्वा, असीला गुरुनारत्न ये काफ़ी लंबे टाइम बाद वापसी कर रहे हैं, ऑलराउंडर हैं। उसके बाद गाइस दाशिन शनाका है, थिसारा परेरा है, उसके बाद कंफर्म है लसित मलिंगा इनकी टीम के कप्तान हैं। अब यहाँ पे देखिए क्योंकि स्क्वाड काफ़ी बड़ा है श्रीलंका का, तो लक्षण सडाकन या फिर सिकगु प्रसन्ना में से कोई एक और चमीरा या नुवान प्रदीप में से कोई एक खेलेगा। यहाँ पे सडाकन और प्रसन्ना दोनों ही स्पिनर हैं लेकिन ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लक्षण सेन सडाकन के खेलने के लिए। उसके बाद चमीरा और प्रदीप दोनों ही स्पिनर हैं लेकिन यहाँ से मैक्सिमम चांसेस नुवान प्रदीप के खेलने के हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस ड्रीम इलेवन की टीम की। तो मैं केवल एक टीम बना रहा हूँ, आप इसी कॉम्बिनेशन के अलॉन्ग और भी अपने हिसाब से टीम बना सकते हैं। हालांकि ये टीम मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बैलेंस टीम बनी है। सबसे पहले विकेट कीपिंग में दो ऑप्शन, डिकवेला, टिम सिफर्ट। मैं गया हूँ डिकवेला ओपनिंग करेंगे और सबसे बेहतर ऑप्शन आप सभी को पता है यही है, टिम सिफर्ट का तो डेब्यू मैच होने वाला है। केन विलियमसन को रखा है, रॉस टेलर को रखा हुआ है, एंजेलो मैथ्यूज को गाइस बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। फिलहाल ये 48% ने रखा है, हालांकि ये थोड़ी देर में काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मैंने कुशल मेंडिस को रखा है और दाशिन शनाका को रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए अच्छे ऑप्शन की बात करूँ तो मार्टिन गप्टिल बहुत अच्छा ऑप्शन है। चांडीमल थोड़े बहुत स्लो खेलते हैं, तकरीबन 70 के स्ट्राइक रेट से, तो इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। धनुष्का मुंथा लगा मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे। उसके बाद कुशल परेरा बहुत अच्छा ऑप्शन है, निकोलस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है लेकिन मैं इतने सारे प्लेयर नहीं ले सकता। ऑलराउंडर की डिपार्टमेंट बात करें, थिसारा परेरा, जिमी नेशिम को रखा हुआ है। जिमी नेशिम, कॉलिन डी ग्रैंडहोम जिस तरह के ऑप्शन थे सेम वैसे ही ऑप्शन रहेगा, और कॉलिन मनरो। अब गाइस यहाँ पे असीला गुरुनारत्न, अगर आप चाहें तो गुरुनारत्न को खिला सकते हैं। अगर आप ये तीन ऑलराउंडर नहीं खिलाते तो मैं आपको कहना चाहूँगा असीला गुरुनारत्न को ज़रूर अपनी टीम में पिक कीजिएगा। बॉलिंग यूनिट की बात कर लेते हैं तो गाइस बॉलिंग यूनिट से मैंने तीन बॉलर लिए हैं, मलिंगा कप्तान, ट्रेंट बोल्ट रखा हुआ है और तीसरा मैंने इश्तोडी को रखा हुआ है। कैप्टन मैं बना रहा हूँ कॉलिन मुंड्रो को, वाइस कैप्टन परेरा को इसलिए बनाया क्योंकि परेरा ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी करेंगे श्रीलंका से और बैटिंग भी, क्योंकि श्रीलंका की टीम इतनी ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। बाकी अच्छे ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे, स्पेशली न्यूजीलैंड से तो बहुत सारे ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। न्यूजीलैंड से टेलर को बना सकते हैं, विलियमसन को बना सकते हैं और जिमी निशिम को भी बना सकते हैं। ये आपको ज़रूर आपको लग रहा होगा कि कोई नया खिलाड़ी या फिर ऐसा कुछ नहीं, बहुत एक्सपीरियंसिव प्लेयर हैं और गाइस बिल्कुल आप इनको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो गाइस ये टीमें, उम्मीद करते हैं आपको ये टीम पसंद आएगी और कुछ आप विन कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले गुड बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर।